सहस्र नाम करने पर जो फल मिलेगा, एक बार अगर स्त्री प्रभु राम का कोई नाम ले ले उसको वही फल मिलेगा। बोले क्या, एक बार राम नाम लेने से 1000 विष्णु नाम लेने का फल मिल जाएगा? बोले हाँ पार्वती। तभी से पार्वती क्या करती थी, वो प्रभु राम का नाम लेती। एक दिन शंकर जी को पुनः सवेरे भोजन करने का समय आया। बोले पार्वती जल्दी भोजन ले आओ। पार्वती बोले प्रभु अभी भजन समाप्त नहीं हुआ, अभी भजन पूरी करने दो। शंकर जी बोले पार्वती इधर आओ और एक नाम तुमको बताऊंगा जो कम परिश्रम में ज्यादा फल मिलेगा। बोले प्रभु वो कौन सा नाम है? शंकर जी बोले पार्वती। बोले सहस्र नाम नाम पुण्य नाम फलम एक कृष्णस्य प्रजच्छति। पार्वती ये जो विष्णु सहस्र नाम अगर कोई तीन बार पढ़े, अगर एक बार श्री कृष्ण बोल दे तो एक बार कृष्ण बोलते ही उसको 3000 बार विष्णु नाम करने का फल मिल जाएगा। इतना महत्व से कृष्ण नाम है। पार्वती बोले प्रभु फिर तो कृष्ण नाम करनी चाहिए। हाँ पार्वती। तभी से कृष्ण नाम करती थी। फिर शंकर जी का समय आया। एक दिन शंकर जी बोले पार्वती भोजन ले आओ। पार्वती बोली प्रभु पहले भजन करने दो। शंकर जी बोले पार्वती तेरे को और एक नाम बता रहा हूँ जो कम परिश्रम में ज्यादा फल मिलेगा। बोले प्रभु वो कौन सा नाम है? तो शंकर जी बोले पार्वती ये कृष्ण स्वयं बता रहे हैं, ये बांके बिहारी स्वयं बता रहे हैं। बोले उन्होंने क्या बोले? बोले मम नाम सत्यनापि राधा नाम सदुतमम जह करोति राधा नाम ना जाने महिमा किंतम। भगवान स्वयं कह रहे हैं, कहते हे भक्तों अगर मेरा कोई 1000 बार नाम ले, अगर श्री राधा जी का एक बार कोई नाम ले ले, एक बार राधे बोलते ही उसको मेरा नाम 1000 बार लेने का फल मिल जाएगा। इसलिए आप लोग एक भजन पता होगा, राधे राधे रखो चले आएंगे बिहारी, ये भजन आपको पता होगा। इसलिए भगवान स्वयं कह रहे हैं राज शब्द कुर्बन तस्मात ददामि भक्ति उत्तमम धा शब्द कुर्बत पश्चात धावी श्रवण लोभा। अगर कोई केवल राह ही बोल दिया, भगवान कृष्ण बोलते हैं उनको चरणों में समय लूट जाता हूँ। अगर किसी ने धा बोल दिया, राह और धा, तदि ये दो अक्षर बोलते ही भगवान उनको पीछे 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 चलने लगते हैं। इसलिए वृंदावन में सबके सब आप जाकर देखिएगा, सबके सब श्री राधा जी का नाम लेते हैं। बोलो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। इसलिए ये भजन में यही बता रहे हैं, बोले राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, श्यामा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, श्यामा का नाम अनमोल बोलो राधे। कहिया भी बोले राधे, बछड़ा भी बोले राधे, कहिया भी दूध के धार से आवाज आई राधे राधे, दूध के धार से आवाज आई राधे राधे, राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। मंदिर में बोले राधे, कुंजन में बोले राधे, मंदिर में बोले राधे, कुंजन में बोले राधे, काना के मुरली से आवाज आई राधे राधे, काना के मुरली से आवाज आई राधे राधे। राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधा का नाम अनमोल बोलो राधे।
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय यस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। पञ्चाकल्पदरुर्भस्य कृपासिन्धुभैव च पतितानं पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। नाम महावदन्नाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्नि गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत श्री राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिय। वृंदाय तुलसी देवै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रतिदेवी सत्यवतये नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं तत्त्वजयमुदीरये। जं प्रवजन्तमनुपीतमपीतकृत्तं द्वैपायन विरह कातर आयु भाव पुत्रेति तन्मयतया तरभोहिनेदुं स्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमान तोस्मि। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मेरे गुरुदेव नित्यला प्रविष्णु विष्णु पादाष्टोदर चल श्री श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज को चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुदेव परिप्राजगा आचार्य त्रिदंडी स्वामी श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज को चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता। उपस्थित हमारे यहाँ के पंडित जी, क्या नाम है सब याद नहीं पता नहीं, पंडित बंशीधर नाम बहुत बढ़िया है, कृष्ण कन्या का नाम है पंडित जी बंशीधर जी। और उपस्थित हमारे पिता माता है, सभी को चरण में मेरा जथाजो के प्रणाम स्वीकार हो। आज हमारे बहुत ही अच्छा दिन है, हमारे श्री बंशीधर प्रभु जी हमें आज यहाँ पर सत्संग और भगवत कीर्तन करने के लिए हम लोगों को यहाँ पर उन्होंने सुजग दिया है। इसलिए जीवन में जो सत्संग है प्राप्त करना बड़ी महत्वपूर्ण बात है। इसलिए शंकर जी बोलते हैं, हे पार्वती, जगत में सब कुछ सुलभ है लेकिन जगत में सबसे जो दुर्लभ है सत्संगति दुर्लभ संसारा निमिष दंड भर एको बारा। अगर जीवन में अगर कोई एक निमिष, हाँ, एक आधा घड़ी से आधा, अगर एक लाभ जीवन में, एक क्षण अगर जीवन में सत्संग की प्राप्ति हो, हे पार्वती, जीवन में बड़े भाग्य से ये सत्संग मिलता है। फिर एक समय आप लोग विश्वामित्र जी का नाम सुने होंगे। कभी श्री विश्वामित्र जी को घर में श्री वशिष्ठ जी आते हैं। विश्वामित्र जी वशिष्ठ को बड़ी स्वागत की, मेरे अहो भाग्य है वशिष्ठ जी घर में आए। जब वशिष्ठ घर में वापस जा रहे थे
जैसे हमारा घर में कोई रिश्तेदार आदि आए, जब घर में वापस जाए हम उसको हाथ में कुछ मिठाई कपड़ा लता देते हैं। लेकिन ये तो साधारण लौकिक व्यवहार है, लेकिन एक संतों के पास में जब संत आता है वो ठीक से इस वैसे ही व्यवहार करते हैं। इतने में श्री विश्वामित्र जी ने देखा ये वशिष्ठ को मुझे कुछ देनी चाहिए। तब विश्वामित्र थे, बड़े योगी थे। विश्वामित्र जी ने कहा मैंने 60,000 साल जो मैंने जो तपस्या किया हूँ उसका फल मैं वशिष्ठ को देता हूँ। वशिष्ठ जी उसको स्वीकार करते हुए अपना घर में वापस चले गए। एक समय अभी विश्वामित्र जी वशिष्ठ को घर में आए, अभी वशिष्ठ भी विश्वामित्र को उनमें बड़े उन्होंने स्वागत दी। अभी जब श्री विश्वामित्र वापस जा रहे थे अभी वशिष्ठ को भी कुछ देनी चाहिए। कहते वशिष्ठ जी कौन है? कहते ये राम की पुरोहित है, कुल पुरोहित है, रामचंद्र का गुरु है, इसलिए ये परम भक्त। वशिष्ठ जी ने कहा मुझे तो याद नहीं आता जीवन में मैंने कभी सत्संग किए। अगर मैंने कभी जीवन में सत्संग किया होगा तो वह सत्संग की एक क्षण, सत्संग का जो शक्ति है उसका जो फल मैं ये विश्वामित्र को प्रदान करता हूँ। अभी विश्वामित्र जी को सत्संग की महिमा उनको पता नहीं था। अभी विश्वामित्र तो बिगड़ गए। कहते वशिष्ठ जी मेरे घर में आए, मैंने उनको 60,000 साल तपस्या का मैंने शक्ति प्रदान किया और इनको घर में आया तो ये मुझे क्या दे रहे हैं? कहते मुझे तो याद नहीं आता कभी मैंने सत्संग की है। अगर कभी जीवन में सत्संग किया तो उसका एक क्षण फल प्रदान करता हूँ। ये क्या मुझे प्रदान कर रहे हैं? अभी तो वो बिगड़ गए, बिगड़ गए तो बोले ये सत्संग की महिमा बड़ा ना ये तपस्या की महिमा बड़ा है, इसको विचार किया जाए। बोले इसको कौन विचार कर सकता है? बोले चलो पितामह ब्रह्मा जी को पास में हम चलते हैं। ब्रह्मा जी को पास में गए, उन्होंने अपना बात को वहां पर रखा। ब्रह्मा जी ने कहा देखो मैंने जीवन में तपस्या करके ही ये ब्रह्मा पद को मैंने प्राप्त किया है, इसलिए मुझे पता है ये तपस्या करने पर क्या मिल सकता है। लेकिन मुझे तो याद नहीं आता मैंने कभी जिंदगी में सत्संग किए, इसलिए मैं सत्संग की महिमा मैं बता नहीं सकता। सत्संग की महिमा कौन बताएगा? चलो ब्रह्मा जी से श्रेष्ठ श्री शंकर जी जो वैष्णवा नाम यथा संभो, जो सत्यम शिवम सुंदरम, जो जोगी जोगी महाजोगी, बोले शंकर जी को पास में चलते हैं। अभी शंकर जी को पास में गए, वहां पर भी बात पर रखे। शंकर जी ने कहा देखो मैं जोगी जोगी महाजोगी हूँ, इसलिए मैं योग तपस्या का महिमा तो मैं जानता हूँ, लेकिन मैंने कभी सत्संग किया मुझे याद नहीं था, इसलिए सत्संग की महिमा तो मैं बता ही नहीं सकता। शंकर भी सत्संग की महिमा नहीं बता पाए, मतलब फिर इसका महिमा कौन बताएगा? मतलब शंकर जी के जो गुरु है उनको पास में चलो। कहते शंकर जी के गुरु कौन है? कहते शंकर सन है, साक्षात अनंत देव, जो अपना सिर को ऊपर में ये विश्व ब्रह्मांड को ये धारण करके रखे हैं। भगवान अनंत देव, जो अनंत मुंह में भगवान की गुण कीर्तन करते हैं। बोले चलो अनंत देव को पास में चलते हैं। अभी अनंत देव को पास में गए, वहां पर भी अपना बात कहते आप कृपा करके बताइए एक क्षण सत्संग की महिमा बड़ा ना 60,000 साल तपस्या की महिमा बड़ा, आप कृपा करके बताओ। अनंत देव ने कहा देखो मैं तो विचार करके बताऊंगा, लेकिन पहले एक काम करो, मैं अपना सिर को ऊपर ये विश्व ब्रह्मांड को मैं धारण करके रखा हूँ, तुम दोनों में कोई ये विश्व ब्रह्मांड को थोड़ी समय धारण कर लो, फिर मैं चैन से फिर बताऊंगा।
इतने में वशिष्ठ जी को बोले, बोले वशिष्ठ जी थोड़ी सी ये पृथ्वी को धारण करो। विश्वामित्र जी को, विश्वामित्र जी ने कहा मैंने 60,000 साल जो तपस्या मैंने की है उसका शक्ति मैं प्रदान करता हूँ, हे पृथ्वी देवी आप हल्का हो जाओ। इतना बोलते ही पृथ्वी हल्का क्या होएगी, पृथ्वी तो सिर पर जैसा भोजन हो गया। आनंद देव ने कहा तुमने क्या शक्ति प्रदान किया, पृथ्वी हल्का क्या होगा, मैं सिर पर जैसा भोजन हो गया है। तब वे वशिष्ठ जी को बताए, वशिष्ठ जी बड़ा दीनहीन भाव से बोले मुझे तो कभी याद नहीं आता जीवन में मैंने कभी सत्संग किया है। अगर कभी मैंने जीवन में सत्संग किया है उसका एक क्षण सत्संग की जो महिमा को मैं शक्ति को प्रदान करता हूँ, हे पृथ्वी देवी आप हल्का हो जाओ। इतना बोलते ही पृथ्वी देवी अनंत देव का सिर को ऊपर से अलग खड़े होकर अलग खड़ा हो गए, सिर हल्का हो गई। अभी श्री अनंत देव जी ने कहा अभी आप दोनों विचार कर लो, सत्संग की महिमा बड़ा ना योग तपस्या की महिमा बड़ा, अभी स्वयं आप विचार करो। देखो ये सत्संग की महिमा कितना बड़ा है, सत्संग की महिमा। इसलिए श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं तुलयाम लभेनापि न स्वर्ग न अपोनर्भव भगवत भक्त संगस्य मर्त्या नाम किमुता शिष्य। जीवन में अगर एक लव सत्संग प्राप्त हो, एक लव कितना समय, एक सेकंड को 11 भाग करो, उसका जो एकमा भाग को एक लव कहते हैं। This one 11th part अगर इतना समय जीवन में सत्संग की प्राप्ति हो उसका इतना महत्व है उसको साथ में स्वर्ग और मोक्ष भी बराबर नहीं किया जा सकता। समझो ये सत्संग की इतने महत्व है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए भगवान राम, भगवान राम ये हनुमान जी को भी बताया करते थे, बोले हनुमान जी बेटा सत्संग करनी चाहिए, बेटा कभी सत्संग सुना कर। हनुमान जी प्रभु से बोलते थे प्रभु अब रोज बोलते हो सत्संग में जाओ, सत्संग में जाने का क्या जरूरत है, सत्संग में क्या होती है, सत्संग में तो यही बात होती है प्रभु राम की सेवा करनी चाहिए, प्रभु राम के नाम लेनी चाहिए, प्रभु राम की भक्ति करनी चाहिए, सत्संग में तो यही बात होती है ना। ऑलरेडी तो मैं उसको कर रहा हूँ, दिन भर आपकी सेवा, दिन भर आपके नाम, दिन भर आपकी पूजा में लगा हुआ हूँ, फिर आप रोज बोलते हो सत्संग में जाओ, सत्संग में जाओ। तो प्रभु राम ने कहा हनुमान जी अगर सत्संग में जाओगे ना तुम जो भजन कर रहे हो उसमें चार चांद लग जाती है। आपको समझ में आया चार चांद लगना मतलब, कि जो भजन तुम कर रहे हो जब सत्संग में जाओगे, जब सत्संग की बात सुनोगे, चार चांद लगना मतलब उस भक्ति में और मन ज्यादा लग जाता है, भक्ति करने में उत्साह आती है। जो सत्संग है जैसे हमने एक लता बोई, अगर उसमें पानी नहीं देंगे तो क्या होगा, वो लता मुरझा जाएगी। अगर उसमें पानी देते रहो तो फिर वो लता बढ़ते जाएंगे। उसी तरह प्रभु की जो भक्ति रूपी जो लता है, कभी ये सत्संग के द्वारा हृदय में नई नई भावना आती है, भजन करने की मन में बड़ी उत्कंठा आती है। एंड दिस विल गिव इट एंथुसियाज्म टू ग्रो। बेटा सत्संग हनुमान जी यू मस्ट हियर सत्संग। एक दिन हनुमान जी ने देखा, हनुमान जी प्रभु रोज बोलते हैं सत्संग रोज बोलते हैं, एक दिन मैं सत्संग में जा करके देखता हूं ये सत्संग में क्या होता है, व्हाट इज हैपनिंग इन दिस सत्संग। सो वन डे हनुमान जी वेंट सबसे पीछे प्रणाम करते हुए बैठ गए, प्रणाम एंड सेट डाउन। कभी कथा कौन कर रहे थे, कभी स्वयं काक भूसुंडी, नाम सुना होंगे, यू मस्ट हैव हर्ड हिज नेम, काक भूसुंडी जो
अक्षय वट को नीचे राम की कथा करते हैं, जहां पर बड़े बड़े देवता लोग शंकर ब्रह्मा नारद आदि बैठ करके प्रभु राम की कथा कालभूषुंडी के मुखारविंद से श्रवण करते हैं। उसी समय कालभूषुंडी वो कथा कर रहे थे प्रभु राम की कथा, और कथा में प्रसंग था रावण ने कैसे माता सीता को मार दिया, हरण करने पर हनुमान जी को बड़ा क्रोध आया, क्रोध आया तो हनुमान जी एक छलांग लगाए समुद्र का लंग करके लंका में पहुंच गए। लंका में पहुंच करके देखा माता सीता अशोक वाटिका में बैठ करके प्रभु राम की चिंता में डूबी हुई और रो रहे थे राम की। हनुमान जी को बड़ा क्रोध आया, ये बड़ा दुष्ट रावण ये मेरी माता सीता को चोरी करके ले आया। कहते शंकर जी हनुमान जी कौन है, कहते वो स्वयं शंकर है। अभी बड़ा क्रोध आया हनुमान जी को, उन्होंने अपना तीसरा नेत्र को उन्होंने खोला, खोले तो वो स्वयं शंकर है, एकदम लंका को जला करके उन्होंने राख बना दिया। अब ये काग भूसुंडी ये कथा सुना रहे थे, लेकिन हनुमान वहीं पर बैठे हुए थे। हनुमान जी ने देखा ये क्या बोल रहे हैं, मैं स्वयं यहाँ सत्संग में बैठा हुआ और ये क्या बोलते हैं, एक छलांग लगाया तो लंका में पहुंच गया और तीसरा नेत्र खुला तो लंका को जला दिया, कितना झूठी बात है। मैं यहाँ पर स्वयं बैठा हुआ और मेरे सामने मेरी बात तो झूठी, मैंने लंका का जब पार हुआ था मुझे पता है कितना कष्ट मुझे उठाना पड़ा, तीन बार का रास्ता में परीक्षा आई, बड़े कठिन से लंका में पहुंचा, जब अंदर में मैं प्रवेश करना चाहता था वहां पर स्वयं लंकिनी वहां पर थी, वो मुझे घुसने नहीं दे रही थी, एक थप्पड़ उसको मारा तो फिर उसको तो याद आ गया ब्रह्मा जी का वरदान, फिर उसको बाद में मैंने प्रवेश किया। रात भर ढूंढते रहा माता सीता को, सीता कहीं मिली नहीं, फिर विभीषण से मेरे साक्षात्कार हुई, विभीषण ने बताया माता सीता अशोक वाटिका में, फिर माता सीता से मैं मिला, मिल करके जब मैंने फल मूल खाने के लिए गया अक्षय कुमार आदि आए, बड़ा युद्ध हुआ, फिर मेघनाद आकर मुझे नागभास बंधन में बांध करके ले गया, फिर मेरे पूछ में कपड़े बांध करके उसमें मिट्टी का तेल डाल करके उसमें आग लगाया, फिर मैंने ये लंका जलाया। आप लोग राम कथा सब पता है, कल इतना कठिन से मैंने लंका जलाया और ये क्या बोल रहे हैं, मैं एक छलांग लगा करके और तीसरा नेत्र खुला तो लंका में चला गया, कितने झूठी बात है। तो हनुमान जी कथा जब समाप्त हो गया प्रणाम करके फिर वापस आ गए। श्री रामचंद्र जी ने पूछा बेटा हनुमान सत्संग सुनी हो, कद प्रभु क्या बताऊं, इतने बढ़िया मैंने सत्संग सुना कभी जिंदगी में सुना नहीं, इतने बढ़िया सत्संग था। प्रभु राम समझ गए ये सत्संग सुन करके हनुमान का मन में शंका आ गई, प्रभु राम हनुमान जी की शंका को दूर करने के लिए वो काग भूषण जो सुना रहे थे सही सुना रहे थे, ये शंका दूर करने के लिए प्रभु राम ने अपना अंगुल से वो अपना अंगूठी मुद्रिका को निकाल रहे थे, इतने में उनको हाथ से ये मुद्रिका गिर पड़ा। रामचंद्र जी ने कहा बेटा हनुमान ये मुद्रिका को उठा करके मुझे दो। जब हनुमान मुद्रिका को पकड़ने जा रहे थे इतने में वो मुद्रिका बड़े तेजी से भाग रहा था। हनुमान का मन में ये भी अभिमान था जगत में सबसे ज्यादा तेज भागने वाला मैं, मेरे से मैं जितना तेजी भागता हूँ उतना तेजी कोई भाग नहीं सकते। यहाँ पर राम हनुमान जी की ये अहंकार को तोड़ना चाहते थे। जब राम जब हनुमान वो मुद्रिका को पकड़ने के लिए गए इतने में वो मुद्रिका इतना तेजी भाग रहा था हनुमान वो मुद्रिका को छू भी नहीं सका। अभी धीरे धीरे वो मुद्रिका जाते जाते एक गुफा में प्रवेश किया, इतने में हनुमान जी जब वो गुफा में प्रवेश करने जा रहे थे इतने में देखा वहां पर एक बहुत बड़ा बंदर बैठा हुआ। वो बंदर ने पूछा तुम कहां से आए हो, क्या नाम तेरा, इतने में हनुमान ने कहा मेरा नाम हनुमान है,
तो वो बंदर ने कहा इतने कमजोर इतने कमजोर इतने दुबले पतले हमारा हनुमान अंदर में बैठे हुए बहुत बड़े हैं लंबे चौड़े तू इतने कमजोर छोटे कैसे हो। अभी हनुमान इसको सुन करके मन में प्रसन्न कर दिया। अभी हनुमान ये सोच रहे थे मैं अकेला ही हनुमान और दूसरा कोई हनुमान नहीं है, लेकिन ये बता रहे हैं हमारा हनुमान अंदर में बैठे हुए और बड़े विशाल काय आप बड़े कमजोर हो। अभी हनुमान जी का मन में दशंकार है, कहां से हनुमान जी आ गए? ये हनुमान तो बड़े चतुर है, आपके जो हनुमान उनसे क्या मिल सकता हूँ? क्या मैं पूछ करके आता हूँ? वो अंदर में गए जाकर के बोले एक बड़े कमजोर छोटा सा हनुमान आया है और वो बोलता है उसका नाम हनुमान, वो बोलता है आपसे मिलने के लिए। वो हनुमान जी को पता ये हनुमान क्या है, उनका रोम रोम से प्रभु राम का नाम निकल रहा था, प्रभु राम को नाम लेते हुए जय सिया राम जय जय सिया राम प्रभु राम की नाम ले रहा था। बोले रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सी जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। प्रभु के नाम ले रहे थे इतने में ये छोटा हनुमान जब गए वो बड़े हनुमान आए और छोटे हनुमान को आलिंगन किया। तब वो बड़ा हनुमान बता रहे हैं हनुमान जी कभी भी ये काग भूषण की कथा में शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो जो काग भूषण है वो एक कल्प से नहीं कितने कल्प से बैठा हुआ है, कितने ब्रह्मा बदल करके चले गए। प्रभु राम इसी जगत में केवल एक बार नहीं आए, प्रभु राम कितने बार आए और कितने बार प्रभु राम गए। इसलिए वो जो काग भूषण कथा सुना रहा था वो मेरी कथा सुना रहा था। प्रभु राम जब दूसरे कभी कल्प में आए थे प्रभु राम मुझे इतना शक्ति प्रदान की थी, मैंने एक छलांग लगा करके पहुंच गया था लंका में, मुझे इतना शक्ति प्रभु ने दिया था मैं अपना तीसरा नेत्र खुला तो पूरा लंका को मैंने जला करके राख बना दिया था। इसलिए वो काग भूषण मेरी कथा बोल रहे थे। हनुमान कभी काल भूषण की कथा में शंका नहीं करनी चाहिए, प्रभु तुम्हारी शंका दूर करने के लिए यहाँ पर भेजे। जाओ तुम मुद्रिका लेने के लिए आए हो वहां से मुद्रिका को ले लो। हनुमान जी जब मुद्रिका लेने के लिए गए देखा एक साथ बहुत सारी मुद्रिका, फिर हनुमान जी कंफ्यूज हो गए कभी तो एक ही जैसे बहुत सारी मुद्रिका इतने में बोले इतने सारे मुद्रिका कहाँ से आ गए। हनुमान जी ने कहा हनुमान जी जब जब किसी हनुमान के मन में शंका होता है प्रभु वो हनुमान की शंका दूर करने के लिए पर भेजते हैं, इसलिए इतने सारे मुद्रिका यहाँ पर। फिर तो हनुमान जी ने तभी से उन्होंने प्रतिज्ञा की। क्या प्रतिज्ञा की? उनका प्रतिज्ञा है कहीं अगर प्रभु राम की कथा हो जहाँ जहाँ प्रभु की राम कथा होती है हनुमान जी उतना रूप को धारण करते हुए सत्संग से राम कथा से पहले जाते हैं। अब बैठते कहाँ पर? सबसे पीछे। जब कथा वाचक कथा स्थली
कथा सुनने वाले कथा आयोजन करने वाले सभी को हनुमान जी प्रणाम करके सबसे पीछे बैठते हैं। जब कथा समाप्त हो जाता है हनुमान जी सभी को प्रणाम करते हुए कथा स्थल कथा वाचक कथा श्रोता वक्ता सभी को प्रणाम करते हुए हनुमान जी जाते हैं। तब से हनुमान जी प्रतिज्ञा किए इसलिए हनुमान जी सबसे राम कथा की रसिया कौन है कहते श्री हनुमान जी। जहाँ जहाँ प्रभु की कथा हो हनुमान जी वहीं पर जाकर के पहुंचते हैं। समझो ये सत्संग की कितने महत्व है। तुलसीदास जी का नाम सुना है ना, कहते जो तुलसीदास ये जब शौच क्रिया पहले भक्त नहीं थे ये तुलसीदास जब शौच क्रिया में जाते थे एक लोटे में पानी लेकर के जाते थे। शौच क्रिया को बाद में वो लोटे में जो थोड़ी सी पानी बच जाती थी उसको एक नीम पेड़ में डालते थे। लेकिन वो नीम पेड़ में अक्सर करके मृतात्मा भूत लोग रहते हैं। अब वो कोई पवित्र पानी को पी नहीं सकते, अपवित्र पानी पीते हैं। तुलसीदास जब लोटे में पानी डालते थे तुलसी पेड़ में नीम पेड़ में वो मृतात्मा भूत रोज एक दिन भूत स्वयं प्रकट होकर के तुलसीदास जी को बोला, बोले तुलसीदास तू मेरे को रोज पानी पिला दे। बोले मैं कहां तुमको पानी पिलाता हूं। कहते शौच क्रिया के बाद में लोटे में जो पानी रहता तू एक पेड़ को जड़ में डालते हो ना, इस पेड़ में मैं रहता हूं, रोज तेरा दिया हुआ पानी मैं पीता हूं, इसलिए मैं तेरे ऊपर संतुष्ट हूं। अगर तुझे वर चाहते हो वर मांग। तुलसीदास जी ने कहा बोलता है वर मांगो, ये तो सब जानता है। बोले एक काम कर सकते हो, मुझे प्रभु राम से मिला सकते हो, कैन यू मेक मी मीट विद लॉर्ड प्रभु राम से मुझे मिला सकते हो। मीट विद राम प्रेतात्मा बोले अगर प्रभु राम से अगर मैं तेरे को मिला सकता हूँ फिर मैं प्रेत जन्म में क्यों पड़ा हुआ हूँ, लेकिन मैं तुमको उपाय बता सकता हूँ। जब तक श्री हनुमान जी की कृपा नहीं हो तब तक कोई प्रभु राम को कोई प्राप्त नहीं कर सकता। मैं तुमको रास्ता बताता हूँ, जाओ वो अमुक स्थान पर रोज वहाँ राम कथा होती है। हनुमान जी वहाँ पर रोज राम कथा सुनने के लिए आते हैं। तुम सबसे पहले जाना, देखना एक व्यक्ति कथा का सर्वप्रथम आता है। बड़े मैला कपड़ा हुआ, शरीर बड़ी रुग्ण है देखने में, वो सबसे पहले देखना सबसे पीछे सबसे पहले आएगा, सबसे पीछे बैठेगा और सबको प्रणाम करते हुए जब कथा समाप्त हो जाएगा जब सब चले जाएंगे देखना वो कथा वाचक कथा स्थली श्रोता सबको प्रणाम करते हुए वहाँ का धूल को शरीर में लगा करके जाता है। तुम उनके चरण पकड़ लेना, लेकिन तुमको सहज में तुम्हें कृपा करना नहीं चाहेंगे, तुमको भटकाने चाहेंगे, लेकिन छोड़ना नहीं चाहेंगे, वो हनुमान। डोंट लेट हिम गो, ही इज हनुमान। जब छोड़ोगे नहीं तब तुमको ऊपर कृपा करेंगे। डोंट लेट हिम गो, देन ही विल सच मुझसे वहाँ पर जहाँ राम कथा होती तुम्हारे यहाँ तो देखा सर्वप्रथम एक व्यक्ति आया, एकदम मैला कपड़ा पहना हुआ, जैसे तुम रोगना देखने में एकदम साधारण से लोग आकर के जो राम कथा है एकदम सबसे पीछे वहाँ पर बैठे चुपचाप करके बैठ गए। जब कथा को बड़े प्रेम पूर्वक राम कथा को सुने, जब कथा समाप्त हो गया, जब वहाँ के धूल लगा करके सब को प्रणाम करके जाना चाहते थे, इतने में तुलसीदास जी चरण पकड़ लिए। जब चरण पकड़ लिए बोले तू क्या कर रहे हो, मैं छोटा जाति का हूँ तो अपवित्र हो गया मेरे चरण पकड़ करके, चरण छोड़, इतने में तुलसीदास जी ने कहा प्रभु मुझे पता है आप हनुमान जी, मेरे को प्रेतात्मा ने बोले आप हनुमान जी, इसलिए आप मेरे ऊपर कृपा कर दो, प्रभु राम के दर्शन मुझे कराएं। I want to take darshan of Lord Ram. हनुमान जी बड़े दयालु हैं। हनुमान जी very merciful. बड़े दयालु हनुमान जी। तब उन्होंने चित्रकूट के घाट पे भय संतन की भीड़ तुलसीदास चंदन की से तिलक देत रघुवीर। इसलिए फिर उनको हनुमान जी की कृपा से फिर राम लक्ष्मण के दर्शन श्री तुलसीदास जी को मिले। इसलिए हनुमान जी की कृपा ये सत्संग की महिमा है, इसलिए सत्संग की बड़ी महिमा है, बड़ी महिमा। इसलिए आप लोग बड़े भाग्यवान हैं, हमारे बंशीधर प्रभु जी बड़े भाग्यवान हैं, यहाँ पर हुए हाँ ये देश में रह करके आप लोगों को भक्तों को बुला बुला करके प्रभु की कथा जो दान कर रहे हैं,
समझे कि कन्हादा कितने दानों में सबसे श्रेष्ठ दान है। हाँ, इससे बड़ा दान जगत में कुछ नहीं। इसलिए भागवत में ब्रज गोपियां गोपी गीत में भगवत कथा के दान की महिमा बता रही हैं। गोपियां गा रही हैं कृष्ण कथा के कितने महत्व है। तो गोपियां कहती हैं, हे श्याम सुंदर, तव कथा अमृतम तत् जीवनम कभी विरीडितम् कल्मषापहम् श्रवणमंगलम् श्रीमदाततम् भुवि गृणन्ति जे भूरिदाजना। हे नंदनंदन यशोदा जीवन, हे दामोदर, हे श्याम सुंदर। ये ब्रज गोपियां कह रही हैं, जगत में जो आपकी कथा दान करते हैं, अब कराते हैं, अब उसके लिए व्यवस्था करते हैं, जगत में सबसे बुरी दान मतलब सबसे बड़ा दान है, इससे बड़ा दान कुछ नहीं जगत में। कहते भगवान की कथा कैसे है, बोले तव कथा अमृतम, तुम्हारी कथा अमृत को जो पान करेगा वो अमर बन जाएगा, तुम्हारी कथा अमृत है। हाँ, कहते तप्त जीवनम, अगर कोई भगवान की कथा श्रवण करे तो जो हम संसार में दुख कष्ट भोग करते हैं, कभी उत्तप्त जीवन शांत हो जाएगा, जीवन में बड़े आनंद मिलता है कृष्ण कथा श्रवण करने पर। कभी भी रीणितम, जिस कथा को ब्रह्मा शंकर नारद चतुसन सुखदेव गोस्वामी बड़े बड़े भक्त जिस कथा वृत्तों को गान करते रहते हैं, कल्मषा अपहम, अगर कोई भगवान की कथा सुने तो सारे पाप दूर होता है। श्रवण मंगलम, जो कथा सुनेगा उसके जीवन मंगल मंगल में हो जाता है। कथा अगर कोई सुनेगा तो संसार की आसक्ति दूर हो जाएगा। इसलिए कहते हैं, हे श्याम सुंदर, जगत में भगवत कथा जो दान करते हैं, जगत में सबसे बड़ा दान है, इससे बड़ा दान जगत में कोई नहीं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। और 5 मिनट ले जाओ, ठीक है बजीधर रूप जी, 5 मिनट और 5 मिनट सुन लो। देखो ये कलयुग है, कहते कलयुग में ये युग ही कली है, लेकिन परीक्षित महाराज ये कलयुग को स्थान नहीं दे रहे थे क्योंकि कलयुग है, लेकिन उन्होंने केवल कलयुग में तो दोष ही दोष है, लेकिन एक गुण इसी में है, जिस वजह से परीक्षित महाराज ये कलयुग को स्थान दे दिया। कलयुग में क्या गुण है, तो श्री तुलसीदास जी कहते हैं, कलयुग के बल नाम आधारा, कलयुग के बल नाम आधारा। कलयुग में एक गुण है, उनका जो नाम है कहते सुमरी सुमरी नर उधर ही पारा। इसलिए कलयुग में जो गुण है भगवान का नाम है, क्या दूसरे दूसरे युग में जो धर्म था, सत्ययुग में क्या धर्म था, युग धर्म तपस्या, लोग चारों तरफ में आग जला करके सिर नीचा करके पैर ऊंचा करके एक अंगूठी पर खड़े होकर के बिना खाए पिए कठोर तपस्या करते थे, तब जाकर के कहीं ना कहीं उनको बड़े कठिन से भगवान मिलते थे। लेकिन प्रभु ने देखा ये कलयुग का जीव तपस्या नहीं कर सकते। अब सुने होंगे 60,000 साल तपस्या बिना खाए, हम एक दिन अगर नहीं खाएंगे तो दिन भर सोते रहेंगे क्योंकि हमारा अन्नगत प्राण है। इसलिए त्रेता युग में जो युग धर्म था, त्रेता युग का युग धर्म था यज्ञ है, लेकिन देखा कलयुग का जीव यज्ञ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यज्ञ के लिए हवन सामग्री चाहिए, लकड़ी चाहिए, घी चाहिए, पंचामृत चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। फिर कलयुग का जो ब्राह्मण शराबी उल्टा सीधा पीने वाले खाने वाले
हाँ झूठ बोलने वाले बीड़ी फूकने वाले मंत्र संस्कृत पढ़े ही नहीं, इसमें ह्रस्व दीर्घ प्लुत उच्चारण का भेद है, उच्चारण नहीं कर सकते, इसलिए देखा और जितना घी मिलेगा प्योर घी भी मिलना बड़ा कठिन, उसमें चर्बी भी मिला देते हैं, इसलिए देखा हर तरह से दोष ही दोष है, कभी ये त्रेता युग का युगत जुग धर्म ये भी नहीं कर सकते, द्वापर युग का क्या धर्म था, कहते प्रभु का अर्चन, सेवा पूजा उसके लिए भी पंचामृत धूप दीप नैवेद्य बहुत कुछ चाहिए, देखा कलयुग का जीव तो अपना खाना ही नहीं जुटा पाएगा, इतना कहां था उनका सेवा पूजा करें, कलयुग में ऐसे एक धर्म रखा जाए जो बिना पैसा के बिना कष्ट के जो आसानी से जो किया जाए, तो उन्होंने देखा ये किया है, जो प्रभु का जो नाम है, प्रभु का नाम लेने के लिए कोई पैसा की जरूरत नहीं, कोई परिश्रम की जरूरत नहीं, हम इधर उधर बात करते हैं नहीं करके थोड़ी प्रभु की नाम कर दो, इसमें पैसा की जरूरत है, कष्ट नहीं होता है, इसलिए बहुत सोच विचार करके परीक्षित महाराज ने कलयुग में उन्होंने ये भगवान की नाम रखा है, इसलिए हमारे शास्त्र ने बताया हरे नाम ही वो केवलम कलौ नास्तेव गतिरन्यथा, कलयुग में भगवान नाम छोड़ करके कोई गति नहीं, गति नहीं, गति नहीं, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि सहने क्या सोते समय, क्या भोजन है, क्या चलते समय, क्या खाते समय, हर समय क्या करो, भगवान की नाम करो, बोल हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, देखो कितना सहज है, कितना सहज है, अब प्रभु का कीर्तन कर रहे थे ना, आनंद आ रहा था प्रभु का कीर्तन, इसलिए बिना पैसा का बिना परिश्रम का प्रभु का नाम है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु कहते हैं तब भी हम इतने दुर्भाग्य है, कलयुग में इतना आसानी प्रभु ने कर दिया, इतने आसानी चैतन्य महाप्रभु कहते हैं नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्र अर्पिता, भगवान एक नाम नहीं रखे, बहुत नाम रखे, निज सर्वशक्ति सारे शक्ति प्रभु नाम में दे दिया, कीर्तन गा रहे थे ना, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, प्रभु ने प्रभु से बढ़कर भी प्रभु का नाम है, प्रभु कितना सहज कर दिया, लेकिन इतना सहज इतना आसानी इतना हो गया तब भी हम इतना दुर्दैव है, तब भी हम इतने दुर्भाग्य है, तभी प्रभु का नाम नहीं ले रहे, इसलिए भागवत में बताया अगर ये मानव जन्म पा करके प्रभु का अगर नाम हम ग्रहण नहीं करेंगे फिर प्रभु दोबारा ये मानव जन्म नहीं देंगे, दोबारा फिर नहीं मिलेगा, कहते लाख 84 धर्म के ये नरोत्तम से ही 84 लाख जन्म भटकते भटकते बड़ा भाग मान प्रावा सुर दुर्लभ सत ग्रंथन गावा, बड़े भाग्य से ये जीवन मिला है, इसलिए ये जीवन पा करके हमें भगवान के नाम कर लेनी चाहिए, और बस नाम लेते ही भव सिंधु सुगाए, तुलसीदास जी ने कहा उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, नाम लेत भव सिंधु सुगाए विचार कर मन मनुमाए, प्रभु का नाम लेते ही ये भवसागर सूख जाएगा, कितने आसानी प्रभु का नाम है, इसलिए आप लोग ये नाम कर कीजिएगा, हमारे बंसीधर प्रभु जी बोल रहे थे ये कर्म कर्म हमें सत्कर्म करनी चाहिए, अपना पिता माता को सम्मान देनी चाहिए, सवेरे उठ करके पिता माता को प्रणाम करना चाहिए, गुरुजनों को आदर देनी चाहिए, सभी को यथा योग्य हमें आदर देनी चाहिए, इसलिए कृष्ण गीता में बोले कर्म किए बगैर जीव रह नहीं सकते, इसलिए कर्म करनी चाहिए, लेकिन जो कर्म है वो किस वो कर्म कैसे होनी चाहिए, तो कृष्ण गीता में कहते हैं यज्ञार्थात कर्मन अन्यत्र लोकयम कर्मबंधना तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचारे, कर्म करो भगवत संबंध कर्म करो, ये जगत को समझो, ये भगवान का जगत है,
अब अगर घर को समझो ये ठाकुर जी का मंदिर है, पत्नी को समझो ये भगवान का सेविका है, बच्चों को समझो ये ठाकुर जी का घर में रोसी बनाते हो, समझो ठाकुर जी रोसी बनाते, मार्केटिंग करने जाते हो समझो ठाकुर के लिए करने जा रहे हो, और नौकरी कर रहे हो समझो ठाकुर जी के लिए नौकरी कर रहे हो। इसलिए कृष्ण गीता में बोले जत करोषि जत स्नासि जस दोहोषि जतासि जत जत तपस्सु कौन्तेय तत् पुरुषमदर्पणम्। जो कुछ करते हो सब मुझे अर्पण अर्पण करोगे तो कोई दोष नहीं रह जाएगा। फिर वो कर्म का जो फल है साक्षात भगवत वृत्ति और साक्षात भगवत प्राप्त हो जाएगा। इसलिए कर्म जो कुछ करनी चाहिए प्रभु को निमित्त बना करके, प्रभु को निमित्त बना करके कर्म करेंगे, फिर ये कर्म बंधन हमें प्राप्त होगा, फिर मुक्त शांत समाचारित इसका फल हमें प्रभु के चरण की प्राप्ति हो जाएगी। And attaining the lotus feet of the Lord. समय हो गया है। Therefore, now time is over. इसलिए हम श्री बलसिद्धर हमारे प्रभु जी की आभार बुझी। I am very आभार प्रकट करते हैं। उन्होंने कृपा करके हम लोगों को यहाँ पर भगवत कथा भगवत कीर्तन करने के लिए सुजन दिया, और आप लोग जितने सारे भक्त लोग यहाँ पर आए हो, अगर आप लोग नहीं आते तो हम फिर कथा किसे तो सुनाते हैं। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि वक्ता से श्रोता का श्रेष्ठत्व है, अगर श्रोता नहीं होता तो किसको सुनाओगे। इसलिए आप लोग भी कथा सुनने के लिए आए हो, इसलिए आप लोग भी धन्यवाद देते हैं। अगर हम आएंगे अगर कभी सुजोग देंगे तो फिर हम और भी कथा सुना सकते हैं। हम यही बोल करके अपना देखो अभी अगर पता नहीं हमारे बंशीधर ब्रह्म जी का क्या आदेश है, अगर होगा तो हम यहाँ पर थोड़ा भगवान का नाम को लेकर के थोड़ा नाचेंगे, ठीक है। भगवान का कीर्तन में प्रभु का भजन में जो नाचेंगे उनको फिर संसार में नाचना नहीं पड़ता है। अगर प्रभु का कीर्तन में नहीं नाचोगे फिर तो संसार में हमें नाचना पड़ेगा। इसलिए अगर इनका आदेश होगा तो आरती होगी ना, आरती होगी, आरती को साथ साथ में प्रभु का।